ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, रात्रि 10 बजे का वक्त हो चला है और मैं जीटी पर मौजूद हूँ। और जीटी पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने उधर एक पुलिस चौकी है, जहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो यहाँ पर पुलिस चौकी में आकर संपर्क साध सकता है। लेकिन आइए चलिए चौकी पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई व्यक्ति मौजूद भी है और या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस चौकी है, यहाँ पर इसकी कुंडी लगी हुई है। इसे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो कि किसी मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, वो अगर यहाँ पर आकर संपर्क करना चाहता है तो अभी संपर्क नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ यहाँ पर ताला नहीं है, जो यहाँ पर पुलिस कर्मी होंगे वो आसपास ही कहीं होंगे। आप चलिए एक बार के लिए, मुझे यहाँ पर खिड़की भी दिख रही है, उस खिड़की में से अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप खिड़की के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, महिला गश्ती दल से मंजू जी यहाँ पर अभी भी जब मैं मुआयना कर रहा था इस पुलिस चौकी का, तब यहाँ पर आई और मुझे देख रही थी। जी मंजू जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार। मंजू जी, आप तो गश्ती दल से हैं, आप तो महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं, गश्त करती हैं अलग अलग जगह, लेकिन अभी अभी आपने देखा पुलिस चौकी में कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को कोई समस्या होती है तो वो कहाँ संपर्क करेगा? जी, अभी अभी यहाँ पे जीटी में कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी तो यहाँ का जाप्ता पूरा थाने में वहाँ चला गया उनके साथ में। अच्छा, मतलब यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे, और जहाँ पे कोई दुर्घटना घटी है वहाँ पर देख रेख करने के लिए अभी पुलिसकर्मी यहाँ से गए हुए हैं। चलिए, तो दर्शकों, देखा आपने, इन्होंने तो बातें गोलमोल करके अपने कुनबे को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन ये इलाका गौरव टावर, इसमें लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। इस हिसाब से इस पुलिस चौकी में पुलिस जरूर होनी चाहिए थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और इलाकों का मुआयना करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दर्शकों, अभी मैं जयपुर जंक्शन पर मौजूद हूँ और चलिए आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल सकती, जंक्शन कितना सेफ है उनके लिए। आइए आगे चलते हैं। मैम, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। महिलाएं मुख्य कड़ी होती हैं घर का, परिवार का। आपसे जानना चाहूँगा मैम, जिस तरह पुरुषों को अधिकार है बाहर घूमने का रात में, वैसे ही क्या लड़कियों को भी, महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जैसे अधिकार अभी यहाँ कम है और सिटियों में ज़्यादा, जैसे बड़ी सिटी है, बॉम्बे है, गुड़गांव है, आप दिल्ली है, थोड़ा यहाँ इतना नहीं हो पा रहा जयपुर में भी इतना नहीं है। हाँ, अगर बात करें जंक्शन की खासतौर पर, हाँ, कितना सेफ फील करती हैं जंक्शन पर? जंक्शन सेफ है, जंक्शन सेफ है हमारे यहाँ। तो भी महिलाएं अकेली आ जा सकती हैं? हाँ, हमारे यहाँ से बच्चे आती है पीजी से, कभी उनकी 1:30 बजे ट्रेन होती है, कभी 2:30 बजे होती है, तो वेटिंग रूम में बैठ जाती है, कोई मतलब कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। दर्शकों, एक और मेरे साथ महिला मौजूद आई है, इनसे बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि जंक्शन पर हैं तो सामान संभाल रही हैं। नमस्ते। क्या नाम आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बात करें महिलाओं की और पुरुषों की, तो क्या दोनों को आज़ादी बराबर मिलनी चाहिए रात को घूमने के लिए? हाँ, बराबर मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। जंक्शन पर रात को आप आती हैं तो कितना सेफ फील करती हैं? अभी तो इतना नहीं सेफ करते हैं। तो वहाँ से जब आप ट्रेन में आई थी तो कोई साथ आया था? हाँ। अच्छा, जाएंगे तब भी कोई साथ जाएगा? यस। मतलब कोई भी पुरुष आपके साथ होना चाहिए? अच्छा, अभी वो आज़ादी नहीं है। हाँ। तो दर्शकों को देखा आपने, यहाँ पर इनका तो यही कहना था कि महिलाओं के साथ किसी पुरुष का होना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि दर्जा ज़रूर दिया हुआ है, महिला और पुरुष बराबर ज़रूर कहे जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी यहाँ पर महसूस होती है। लेकिन फिर भी हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे आप सबसे, वो ये कि महिलाओं को भी अधिकार बराबर दिए जाने चाहिए। दर्शकों, मैं सिंधी कैंप पर मौजूद हूँ और जानने के लिए निकला हूँ शहर की जनता से कि क्या ये रातें महिलाओं के लिए नहीं है, जितनी आज़ादी पुरुषों को है क्या उतनी आज़ादी महिलाओं को नहीं दी जा सकती। आइए चलते हैं और कुछ महिलाओं से और कुछ पुरुषों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जितनी आज़ादी पुरुषों को रात में होती है घूमने के लिए, लड़कों को होती है पार्टी करने के लिए, क्या महिलाओं को उतनी आज़ादी रात में घूमने के लिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए,
बिल्कुल होनी चाहिए, बट एक थोड़ा सा ये हो जाता है विमेन के साथ में कि फिज़िकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने मेन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उनको प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं। ये है, अगर मैम बात करें खासतौर पर सिंधी के यहाँ पर बच्चे, कितना सेफ आप लोग फील करते हैं रात को कभी भी ट्रैवल करना होता है यहाँ से? मैं आपको बिल्कुल अपना वो बताऊँगी एक्सपीरियंस, हम अपना बताएंगे भाई, अगर हमें ये बोला जाए घर से कि आप अकेले चले जाइए यहाँ पे, तो हम अकेले नहीं आएंगे, हम अपने कन्वेंस में आना चाहेंगे, कोई ना कोई, चाहे हमारे ड्राइवर साथ में हो या हमारे घर के कोई ना कोई साथ में हो। आजकल क्या होता है कि लोग बात तो बहुत करते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, बट फील नहीं करते हैं, ना ही ऐसा शो करते हैं। देखिए उसका मैं बहुत क्लियर आपको बताऊंगी, अगर मेन जब वो छोटे से बच्चे से बड़ा होता है उसके अंदर कूट कूट के आप ये भरेंगे कि यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, तो प्रोटेक्शन वुमेन को अपने आप में हम अपने लड़कों को नहीं सिखाते, वही प्रॉब्लम है बस। और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अगर मैं बात करूं आजकल मेन एंड वुमेन सोसाइटी में कहा तो ये जाता है कि भाई दोनों इक्वल हैं, लेकिन वैसा ट्रीट नहीं किया जाता, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? ये बात तो सही है कि उनको ट्रीट नहीं किया जाता इक्वली। वुमेन कोई रात को अगर ट्रेवल कर रही है या कहीं भी बाहर है तो वी हैव सम अदर नोशन अबाउट द वुमेन, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको? इक्वलिटी होनी चाहिए, दे शुड बी अलाउड टू मूव आउट। तो दर्शकों देखा आपने, इनकी तो यही राय थी कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ये रातें उनके लिए भी बराबर होनी चाहिए जिस तरह पुरुषों के लिए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चलिए, यहाँ पे जयपुर में तो मैं टूरिस्ट आई हूँ, तो यहाँ पे तो फिलहाल मुझे सही लग रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे मुझे कोई पुलिस मैन नहीं दिख रहा है या कोई ऐसा गार्ड नहीं दिख रहा है कि लाइक लगे कि हाँ वो सेफ फील करवाए हमें या कुछ हेल्प कर सके, और यहाँ मेरी हेल्प का भी कोई बोर्ड नहीं है कि जहाँ मैं जाके कुछ पूछ सकूँ, तो ओवरऑल ठीक ठाक है बट नॉट सो गुड। आप लखनऊ से? लखनऊ में और जयपुर में रात में बाहर निकलने में कितना अंतर है? लखनऊ और जयपुर में बहुत अंतर है। लखनऊ में है तो हमारा 10 नंबर डायलिंग है, तो हम लोग कभी भी निकले हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम 10 नंबर पे डायल करते हैं तो हमारी पुलिस आ जाती है या कोई भी पास में जो हेल्प के लिए होता है हमें तुरंत प्रोवाइड होगा, उनके पास सेंसर होता है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ डायलिंग नंबर भी नहीं है जो कर सकते। फिलहाल अभी जब तक तो खड़े हैं तब तक तो सेफ ही है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ आसपास, और अकेले भी हैं, सारी लेडीज़ हैं, फैमिली भी है, भाई लोग सब लोग गए हुए हैं, तो अभी तक तो सेफ है। अगर बात करें महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इंसान को ये सोचना चाहिए, उसकी मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए ना। हम लोग लड़की को सिखाते हैं कि तुम घर की इज्जत हो, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि जो लड़की बाहर है वो भी किसी की घर की इज्जत है, उसको अपने इज्जत का ख्याल होना चाहिए, ना कि लड़कियों को। लड़कियों को पता है अपनी मर्यादा पे, उनको भरोसा होता है, तभी उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लड़कों को क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम घर की इज्जत हो? कभी लड़कों को क्यों नहीं बोले कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? कभी पूछने की ज़रूरत समझी? क्यों नहीं समझी? तो ये चीज़ इंसान की मेंटेलिटी को बदलने की ज़रूरत है, ना कि उनको टोक लगाने की कि लड़की ज़रूरी है या लड़का ज़रूरी है। दर्शकों देखा आपने, याच की वो नारी है जो कि अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए भी कल आगे चलते हैं और अब बातचीत करते हैं नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे कुछ लोगों से। अभी मैं हूं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर ऋचा गौर के साथ, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ काम कर रही हैं। ऋचा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, महिलाएं रात में कितना सुरक्षित हैं? अगर हम जयपुर की बात करें तो 90% वी आर नॉट सेफ, नॉट एट ऑल। आपने ये तो बता दिया कि 90% महिलाएं रात में सेफ नहीं है, लेकिन अगर बात करें पुरुषों की और महिलाओं की, तो पुरुषों को तो रात में निकलने की आजादी होती है, महिलाओं को रात में निकलने की आजादी क्यों नहीं है? उन पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं? क्या लगता है आपको कि जो रात है वो महिलाओं के लिए नहीं है?
मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं और पुरुष हम सब एक समान हैं, हम महिलाएं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी इंसान हैं और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जितने जैसे ही बेटे हैं वैसे ही बेटी है, जैसे ही फादर्स हैं वैसे ही मदर, सब इक्वली तराजू में जो है तोले जाने चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ पे रात ही नहीं दोपहर में भी क्राइम्स हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रही हैं, ईव टीजिंग, चाहे गर्ल स्टूडेंट्स बस में ट्रेवल करती हैं, ट्यूशन जाएँ, कहीं भी जाएँ, और जब रात की बात आती है, कोई लड़की अगर किसी काम से बाहर निकली है या फिर अगर जॉब से वापस आ रही है या कहीं फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए कुछ सामान खरीद के वापस आ रही है, तो ये छेड़छाड़ जो है रात के समय में ज़्यादा होती है। क्योंकि कमियां मैं क्या मानती हूँ वो ये कि सामने वालों की मेंटेलिटी और मानसिकता में कमी है, जिस वजह से हमको असशक्त होना पड़ रहा है। तो आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट बताया कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और होना भी पड़ रहा है ज़रूरत के हिसाब से और समय के हिसाब से। लेकिन अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो क्या वो चीज़ है जो रोकती है महिलाओं को रात में बाहर निकलने के लिए? क्या महिलाओं का उतना अधिकार नहीं है रात पर? देखिए, फैमिली रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है दो चीज़ें हैं, एक तो है कि पोजेसिवनेस, एक होती है कि केयरिंग है, पोजेसिवनेस है, इसलिए बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। सेकंड है कि सेफ नहीं है इस सोसाइटी को लेकर, इस माहौल को लेकर, इसलिए फैमिली प्रेशर्स में आके जो है लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि क्राइम कोई और कर रहे हैं लेकिन भुगतना हमको पड़ता है। आप तो कुछ मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, बच्चों को भी सिखाती हैं, आप कोच भी हैं, क्या लगता है आपको घरों में लड़कियों को तो बाहर जाने दिया जाता है रात में, लड़कियों को रोका जाता है, क्या रीजन है उसके पीछे? वर्कशॉप अगर पुरुषों के लिए लगाई जाए, उनकी मानसिकताओं के लिए वर्कशॉप लगाई जाए, तो आज ये नौबत ही ना पड़े कि लड़कियों को घर से बाहर जाने के को रोका ना पड़े, रोका ही नहीं जाएगा अगर ये वर्कशॉप्स मानसिकता को बदलाव लाने के लिए पूरी सोसाइटी में करी जाएगी। तो ऋचा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कि ऋचा के इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर इनसे सीखने के लिए आते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 11:30 तक। 11:30 आपके भाई है? हाँ बिल्कुल, 3 साल बड़ा। अच्छा, 3 साल बड़ा है आपके। वो बाहर जाए तो कब तक रुक सकता है बाहर? जितनी बजे तक भी वो चाहे। जितनी बजे तक भी वो चाहे। तो मुस्कान, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे एक चीज बताइए, आप रात आप लोगों की नहीं है, आप लोग बाहर पार्टी क्यों नहीं कर सकते? सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, क्यों सेफ नहीं है? कितने केसेस हो रहे हैं आजकल, रेप केसेस और किडनैपिंग, उस कारण से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आपको, मार्शल आर्ट्स आप सीख रही हैं? हाँ। तो बेनिफिट करेगा आपको? बिल्कुल, उसके बाद छूट मिलने लग गई है। उसके बाद छूट मिलने लगी है? कितनी छूट मिलने लगी है मार्शल आर्ट सीखने के बाद, और पहले कितनी मिलती थी? काफी मिलने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बाहर जाना चाहती थी तो माई फादर वोंट अलाउ मी कि मैं कैब में ट्रैवल करूँ, लेकिन अब उन्होंने अलाउ करना चालू कर दिया कैब में ट्रैवल। हाँ। हाय, क्या नाम है आपका? अनन्या नारंग। अनन्या, आपको ये बताओ, रात को अगर आप बाहर जाना चाहें तो क्या घर वाले अलाउ कर देते हैं? इन वेरी रेयर केसेस, बट जनरली नहीं। जनरली नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बाहर सेफ नहीं है, इसलिए। सेफ नहीं है। क्या लगता है आपको, आप मार्शल आर्ट सीखने आती हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। अभी तक कुछ पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत अलाउ किया है रात को। आपको क्या लगता है, जब आप पूरा सीख लेंगी उसके बाद कितना फर्क पड़ेगा, रात को लेट नाइट आपको भी अलाउ कर देंगे? शायद। चलो, तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये रात बदलाव के बयार जरूर लेकर आएगी, जिससे दिन के उजाले में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसी तरह रात के अंधेरे में भी महिलाओं का सम्मान होगा। और महिलाएं जो मांग कर रही है कि ये रात मेरी भी है, उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महिलाएं खुशी के साथ कहेंगी कि हाँ, ये रात मेरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जो राइट्स लड़कों को है, वी शुड हैव दैट राइट्स आल्सो। अपना अपना फ्रीडम है सब। जिस तरह से लड़कों को जीने की आजादी, वैसे हमें भी जीने की पूरी आजादी है, हम जहाँ चाहें वहाँ जाएंगे। हमारे लिए भी रात होनी चाहिए, हम लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग भी जो है इक्वल ट्रीट करने चाहिए। मेरा ये मानना है कि रात महिलाओं की भी है और रात पुरुषों की है, दोनों की इक्वल है। आई डोंट थिंक सो कि रात सिर्फ लड़कों के लिए है, रात हमारी भी है। ये रात हमारी भी है। रात महिलाओं के लिए भी है, साथ में पुरुषों के लिए भी है। ये रात हमारी भी है।